हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ एलसीएम फाइंड आउट करना बाय डिवीजन मेथड 90 and 405 का। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखेंगे 90, 405, और अब इसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो जब भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हम यहाँ पर 2 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अगर तो इन दोनों नंबर में से एक नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे, ठीक है। अब ये नंबर तो हो रहा है 2 से डिवाइड, लेकिन ये नहीं हो रहा, मुझे कैसे पता, रूल होता है, रूल के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता डायरेक्टली, ठीक है। तो किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, ठीक है, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर इनमें से है तो इसका क्या मतलब है कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। तो 90 का लास्ट डिजिट जो है 0 है, इनमें से है ना, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। 405 का लास्ट डिजिट 5 है, इनमें से नहीं है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। मैंने आपसे क्या बोला है कि अगर एक नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो ये तो हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। 2 के टेबल में 90 आता है 45 टाइम्स, आपको डायरेक्टली पता है, तो ठीक है, नहीं पता तो इस तरह कर लिया करेंगे कि 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 9 से छोटा, 2 के टेबल में 8 आता है, तो आप इसे कट करके 8 बना लें। 2 के टेबल में 8 आ गया, हमारे पास 4 हमारे पास क्या था, 9 था, हमने जब इसे कट करके 8 बनाया तो इसका 1 जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये बन गया 10। 2 के टेबल में 10 आ गया 5000, तो डायरेक्टली अगर पता है तो फिर डायरेक्टली लिख ले, फिर ये आप ना करें कटिंग, ठीक है। करनी भी है तो पेंसिल से कर ले, बाद में रेज कर दें, ठीक है, ये आपकी आसानी के लिए मैंने आपको बताया। अब मैंने आपसे आपको बताया रूल के अकॉर्डिंग कि 405 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 5 है, इनमें से नहीं है। तो हम इसका क्या करेंगे, इसको एज इट लिख लेंगे, ओके। अब देखिए हम अगेन यहाँ पे 2 ले सकते हैं तो नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 405 तो नहीं आता, वो पहले ही नहीं आता, 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए तो हमने वैसे ही लिख लिया। अब 45 भी नहीं हो रहा 2 से डिवाइड, क्यों, क्योंकि 45 का भी लास्ट डिजिट 5 है, इनमें से नहीं है। अब दोनों में से एक नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका क्या मतलब है कि हम यहाँ पर 2 नहीं ले सकते क्योंकि दोनों नंबर ही 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, ठीक है, 2 से तो नहीं हो रहे। अब हम 3 से चेक करेंगे, और 3 से चेक करने के लिए क्या रूल होता है, कोई नंबर आपने चेक करना है 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो उसके लिए ये रूल होता है कि आपने जिस नंबर को चेक करना है उसके डिजिट्स प्लस करते हैं। जैसे 45 को चेक करना है, इसके डिजिट्स प्लस करें, प्लस करें, प्लस करने पर अगर तो कोई ऐसा नंबर हमारे पास आ जाता है जो कि 3 के टेबल में आता है, तो इसका क्या मतलब है कि पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 में 5 प्लस करें 9, प्लस किया 9 आया, 3 के टेबल में 9 आता है, इसका क्या मतलब है कि पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 405 है, इसको चेक करना है तो इसके भी डिजिट्स प्लस कर दें, प्लस करने पे इसके भी 4 में 04, 4 में 5 9, तो प्लस करने पे 9 आया, तो 3 के टेबल में 9 आता है ना, इसका क्या मतलब है कि पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 3 ले लेंगे, 3 के टेबल में 45 आता है 15 टाइम्स, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता तो फिर आप इसी तरह कर लें जैसे हमने किया था, इजी हो जाएगा। 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 से छोटा 3 ही आता, आप इसे कट करके 3 बना लें। 3 के टेबल में 3 आ गया, हमारे पास 1000, ये 4 था, जब हमने इसे कट करके 3 बनाया तो इसका जो 1 है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 आ गया, हमारे पास 5000। इसी तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे कि 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 से छोटा 3 आता, हम इसे कट करके क्या बना लेंगे, 3। 3 के टेबल में 3 आ गया, 1000, ये हमारे पास 4 था, जब हमने इसे कट करके 3 बनाया तो इसका 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये बन गया 10। अब हमें पता है कि 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 10 से छोटा 9 आता, तो हम इसे कट करके 9 बना लेंगे, ठीक है। जब हमने इसे कट करके 9 बना लिया तो 3 के टेबल में 9 आता है, 3000। हमारे पास क्या था, ये 10 था, हमने जब इसे कट करके 9 बनाया तो इसका 1 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 आ गया, 5000। तो इस तरह ये सॉल्व हो गया कि 3 के टेबल में 405 आता है 135 टाइम्स, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर आप करते तो फिर आपसे को नहीं समझ आनी थी, ठीक है। एक और मेथड भी होता है कि 405 को अंदर रखे, 3 से डिवाइड करते, जो क्वेश्चन में हो उसको इधर लिख लें, या इस तरह कर लें, जिस तरह भी, ठीक है। हम अगेन 3 ले सकते हैं, तो यस ले सकते हैं, 3 के टेबल में तो 15 आता है, 135 आता है कि नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। 1 + 3 + 5, 1 में 3 प्लस करें 4, 4 में 5 प्लस करें 9, फिर से 9 आ रहा है, तो 3 के टेबल में 9 आता है, इसका मतलब ये अगेन डिवाइड हो जाएगा। 3 के टेबल में 15 आता है 5000, 3 के टेबल में 135 अगर डायरेक्टली पता है तो ठीक है, वरना वही काम करेंगे कि 3 के टेबल में 13 नहीं आता, 13 से छोटा 12 आता है 3 के टेबल में, हम इसे कट करके 12 बना लेंगे। 3 के टेबल में 12 आ गया, 4000, ये हमारे पास था 13, हमने जब इसे कट करके 12 बनाया तो इसका 1 यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 आ गया, 5000।
अगेन हम यहाँ पे 3 ले सकते हैं तो यस ले सकते हैं, 3 के टेबल में 5 तो नहीं आता लेकिन 45 आता है, तो 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 हम वैसे लिख लेंगे, और 3 के टेबल में 45 आता कितने टाइम्स, 15 टाइम्स। हालांकि अब हम यहाँ पे 5 भी ले सकते हैं, यहाँ भी 5 ले सकते थे लेकिन हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब हम लोग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं हम लोग लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं और फिर हम आगे नंबर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो होता तो ये 5 से डिवाइड भी था, हम लोगों ने 5 से नहीं करना, ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, ठीक है। जब तक छोटे नंबर से हो रहा है हमें छोटा नंबर से ही डिवाइड करना है, जैसे अब ये 5 से भी, 5 के टेबल में 5 भी आता है 15 भी आता है, लेकिन 3 के टेबल में 5 नहीं आता लेकिन 15 तो आता है ना, तो हमने यहाँ पे पहले 3 ही लेना है, ठीक है। 3 के टेबल में 5 नहीं आता फिर से वैसे ही आ जाएगा, और 3 के टेबल में 15 आता है 5 से। अब हम 5 ले लेंगे यहाँ पे क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, ये अपने टेबल में आता है 5 अंदर 5 और 5 अंदर 5। अब हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ से शुरू कर लेते हैं, एलसीएम ऑफ 90 एंड 405 इज इक्वल टू, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 4 टाइम्स 3 है, मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 6 2 3 6 6 3 18 18 3 8 3 24 3 3 4 5 54 क्या था, 2 3 6 6 3 18 18 3 54 54 3 4 3 12 1 carry 5 3 15 15 1 16 162 162 को 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, 5 2 10 1 carry 6 5 30 30 में 131 30 में 1 प्लस किया तो 31 आ गया, 1 इधर 3 carry 5 1 5 6 7 8 8 10 आ गया, तो सबको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया 810। तो हम क्या कहेंगे, एलसीएम क्या आया, 90 और 405 का 810 आ गया। तो ये था हमारे पास एलसीएम फाइंड आउट करने का कौन सा मेथड, डिवीजन मेथड। बात की जाए एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की, तो इसमें उसमें क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताती हूँ। ये एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट ही करते हैं जैसे उसमें किए थे, लेकिन अलग अलग नंबर्स के इसमें करते हैं, पहले 10 के करेंगे, देन 12 के, देन 16 के, फिर 10 के सामने 10 के फैक्टर्स लिख लेंगे, 12 के सामने 12 के फैक्टर्स, और 16 के सामने 16 के फैक्टर्स, फिर जो कॉमन आ रहा है वो उसको एक दफ़ा लिख लें, ये भी कॉमन आ रहा है एक दफ़ा लिख लें, फिर जो नॉन कॉमन है ये सारे इनको भी लिखना है, लिखने के बाद मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। एक और बात, अगर आप एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं 90 और 405 का बाय डिवीजन मेथड नहीं बल्कि जो मैंने आपको भी दिखाया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो भी आंसर यही आता है, ठीक है। आंसर में डिफरेंस नहीं होता, अगर वैल्यू सेम है, क्वेश्चन सेम है, फिर आप एलसीएम का कोई मेथड फॉलो कर लें, एलसीएम बाय डिवीजन मेथड कर लें, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लें, या एलसीएम बाय कॉमन मल्टीपल मेथड कर लें, ठीक है। होप्स आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।